फिरंगी बहू। ये कहानी है सैमी की। सैमी अमेरिका की लड़की थी जो भारत घूमने आती है। उसे यहाँ के राधे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। माँ, ये सैमी है, हम दोनों ने शादी कर ली है, आज से ये तेरी बहू। अच्छा, तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, ये गोरी चमड़ी नहीं चलेगी, बेटा इसे वापस भेजो। सैमी को हिंदी आती थी। वो सास के पैर पकड़ लेती है। प्लीज डोंट से लाइक दिस, मैंने शादी की है, उसका क्या? अरे वाह वाह, बड़ी आई शादी वाली, बहुत पता है मुझे तुम लोगों के देश में कैसे होती है शादी और कैसे होता है तलाक। मैं तलाक नहीं दे सकती, मैं राधे से प्यार करती हूँ, प्लीज उसके साथ रहने दीजिए। सास नहीं मानती, पर राधे भी अड़ जाता है। देख माँ, सैमी मेरे साथ ही रहेगी, नहीं तो मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे घर में तुम घर मत छोड़ो, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ। ये बोलकर सैमी वहाँ से चली जाती है। अब ठीक है, बड़ी आई थी घर की बहू बनने वाली, अरे इन फिरंगियों को तो हम मुंह ना लगाए। राधे सैमी के पीछे जाता है और उस मोहल्ले के एक घर में ही रहने की जगह दिला देता है। ये घर मेरे घर से दिखता है, तुम यही रहना, थोड़े ही दिन में माँ को मना लूंगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी माँ मान जाए। सास देखती है कि सैमी ने कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के सामने का मकान ले लिया है। इस गोरी को यहाँ घर दिलाया है ना तूने, अब देख कैसे मैं इसे यहाँ से भगाती हूँ। सास एक दिन सुबह उठकर घर के सामने झाड़ू लगा रही होती है कि उसकी नजर बहू के घर पर पड़ती है। अरे ये तो नहा धोकर घर को साफ सुथरा कर तुलसी में जल चढ़ा रही है और मेरी तो अभी झाड़ू भी नहीं लगी। सास फटाफट काम खत्म करती है कि सैमी वहाँ आ जाती है। ये लीजिए सासु माँ, मैंने लाखी का खाफ्टा बनाया है, सोचा आपको भी खिलाओ, बस आपने क्या बनाया? सास जो अभी किचन का गेट भी नहीं खोल पाई थी। अरे हाँ, वो क्या है ना, आज मैं जरा देर से सोकर उठी, लेकिन ये मत समझ के तू ज्यादा होशियार है और मैं नहीं। देख मैं अभी कितनी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तभी वहाँ राधे आ जाता है। वो सैमी को देखकर खुश हो जाता है। माँ फिलहाल तो तू रोटी ही बना दे, मैं कोफ्ते से खाकर ऑफिस जाऊँ। सास फटाफट के चक्कर में रोटी बना ही रही होती है कि उसका हाथ जल जाता है। सैमी जल्दी से उस पर दवाई लगा देती है और रोटी बनाकर राधे को खिलाती है। आप भी खा लीजिए, बहुत देर हो गई, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। सास मुंह बना लेती है और कहती है, अरे जा तू अपने घर कहीं, यहाँ आकर हम लोगों की बनने की कोशिश मत किया कर। फिरंगी बहू वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो सास के लिए भी रोटी बना कर जाती है। बहू के जाने के बाद पड़ोसन आती है। अरे राधे की माँ, क्या बनाया है, भूख लग रही है। अरे मैंने क्या बनाना था, वो फिरंगन ही दे गई है कोफ्ता, वही है, बोल तो रोटी बना दूं। वैसे क्या हुआ, खाना नहीं बना घर पर? काहे नहीं बना, सब बना है, लेकिन बहू रानी हमारी जो है ना, एक नंबर की चिकट चोर है। पहले पति का टिफिन भरा, फिर बच्चों का, फिर खुद खाया, और फिर जो बचता है वो देती है। अब आज कुछ बचा ही नहीं तो बोली, माँ जी कुछ है नहीं, बना लीजिए, और जो बनाए ज्यादा बनाना। वो क्या है ना कि दिन में तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम भी सोच लिए कि आज तो हम भी ना बनाएंगे कुछ। हाँ अच्छा अच्छा, रुको मैं रोटी बनाती हूँ, मुझे भी बनानी है खुद के लिए। लेकिन सास जब किचन में जाती है तो वहाँ गर्मा गर्म ढेर सारी रोटी बनी रहती है। सास खाना लेकर आ जाती है। क्या बात है, बड़ी ही जल्दी रोटी बन गई। अरे नहीं नहीं, वो फिरंगन ही बना गई है, सोचती है कि ये सब करके मैं उसे घर में रख लूंगी। अरे रहने देना, फिरंगी होकर भी देख कितनी तेरी सेवा कर रही है।
तभी सास दूर से देखती है कि बहू बाहर खड़ी होकर पापड़ सूखने डाल रही है। वो मन में सोचती है कि बेचारी कितना प्यार करती है मेरे बेटे से, पर फिरंगी तो फिरंगी ही होते हैं। देख देख कर क्या सोच रही है, जरा देख कैसे सूट पहनी है, वरना यहाँ तो वन पीस में घूमना शुरू कर चुकी हैं हमारी बहुएं। सास समझती तो है लेकिन करे क्या, अक्कड़ जो है। एक बार घर में पानी नहीं आ रहा होता है तो सारे मोहल्ले की औरतें मोहल्ले के नल से पानी भर रही होती है। अरे पानी भरने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, राधे भी नहीं है, किसे बोलूं बाल्टी भरने के लिए, पीने को एक बूंद पानी नहीं। सास पड़ोसन को फोन करती है। अरे विमला बेटे से बोलकर एक बाल्टी पानी मेरे घर भी भेज दो ना, प्यास से गला सूखा जा रहा है। अरे कहां, यहाँ तो हम लोगों का ही पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हें कहां से पानी भेज दे। सास क्या करती, उसे कहीं से भी पीने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं मिलता। तभी दरवाजे में फिरंगन बहू आकर खड़ी हो जाती है। माझी ये पानी लीजिए, मैंने आपके लिए भी भर लिया है, राधे तो घर में नहीं है तो आप कैसे बाल्टी भर दी। सास जल्दी से पानी पीती है और बहू को दुआ देती है। सैमी वहां से चली जाती है। फिर क्या, एक दिन माँ मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, मैं जानता हूँ तुम सैमी को पसंद नहीं करती लेकिन प्लीज उसका ख्याल रखना, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राधे चला जाता है लेकिन सास अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाती है। एक शाम वो घर के पास खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही होती है कि उसकी नजर बहू के घर के बाहर पड़ती है जहाँ काफी भीड़ लगी होती है। हे भगवान, राधे ने कहा था कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। सास भागी भागी जाती है। अरे क्या हो गया, हटो हटो जरा। पता नहीं अंदर से काफी कराहने की आवाज आ रही है, लेकिन अंदर जाए कौन, लगता है किसी की अंतिम सांस चल रही है। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वो मेरी बहू है, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, जाने दो मुझे अंदर। सास अंदर जाती है तो देखती है कि फिरंग की बहू बिस्तर पर पड़ी है। माझी ये लीजिए मेरा सारा सामान जो राधे ने दिया था, ये मेरा पासपोर्ट, मेरा एड्रेस, मेरे घर वालों को बता देना कि मैं ससुराल में मर गई। अरे नहीं नहीं, तू तो बहुत अच्छी बहू है, अरे मैं नहीं मरने दूंगी तुझे। सास जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और बहू का सारा इलाज कराती है। चल अब अपने घर चल, मैं रोज रोज तेरी सेवा करने इतनी दूर थोड़ी ना आऊंगी। सास बहू को उसका कमरा दे देती है और जब राधे लौट कर आता है। माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ। माँ क्या देख रहा है, सास बहू एक ही घर में तो रहते हैं, क्यों बहू, वैसे भी क्या देशी क्या विदेशी, जो मन को भाए वही इंसान होता है, तूने मेरा दिल जीत लिया, बस हमेशा ऐसी ही रहना बेटा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।